हमीरपुर नगर परिषद के लिए कमाऊपुत बना टाउन हॉल की हालत गत कुछ सालों से खस्ता बनी हुई है, लेकिन इसकी हालत को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मात्र औपचारिकता की पूरी करके इतिश्री की जा रही है, जिसके कारण दिनों दिन नगर परिषद टाउन हॉल की हालत खराब हो चुकी है। उसकी सीलिंग भी जगह जगह से उखड़ रही है। नगर परिषद बजट का रोना रोकर टाउन हॉल पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन साल भर टाउन हॉल से पैसे कमाने के बावजूद भी मरम्मत के नाम पर कोई काम नहीं किया जाने से नगर परिषद के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हमीरपुर नगर परिषद के लिए कमाऊपुत बना टाउन हॉल की हालत गत कुछ सालों से खस्ता बनी हुई है, लेकिन इसकी हालत को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मात्र औपचारिकता की पूरी करके इतिश्री की जा रही है, जिसके कारण दिनों दिन नगर परिषद टाउन हॉल की हालत खराब हो चुकी है कि सीलिंग जगह जगह से उखड़ रही है। नगर परिषद बजट का रोना रोककर टाउन हॉल पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन साल भर टाउन हॉल से पैसे कमाने के बावजूद भी मरम्मत के नाम पर कोई काम नहीं किया जाने से नगर परिषद के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद हमीरपुर के टाउन हॉल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि टाउन हॉल के अंदर छत पूरी तरह से गल चुकी है। शहर के बीचों बीच स्थित टाउन हॉल में आए दिन बड़े या छोटे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, लेकिन टाउन हॉल की हालत को देखकर हर किसी को गहरा रोष पनपता है। वहीं इसे साथी समारोह व बैठकों के एवज में टाउन हॉल को हर माह लाखों रुपए की इनकम हो रही है, लेकिन इसके मरम्मत की परवाह नहीं किए जाने से हालत बदतर होती जा रही है। गौरतलब है कि 2 साल पहले टाउन हॉल की छत की टीन की मरम्मत भी करवाई गई थी, लेकिन अधिकतर जगहों पर अभी तक सीलिंग सही ढंग से नहीं हुई है, जिसके कारण हालत जैसे की तैसे ही बनी हुई है। नगर परिषद के UKL ठाकुर का कहना है कि नगर परिषद के पास बजट नहीं होने से टाउन हॉल की हालत को सुधारा नहीं जा रहा है। UNA नगर परिषद के खर्चों को गिनाते हुए कहा कि बजट नहीं होने से नगर परिषद के कामकाज पर असर पड़ रहा है। ऐसे है कि ये टाउन हॉल जहाँ से भी इसकी व्यवस्था ठीक नहीं या कहीं रिपेयर की जरूरत है, तो इसकी रिपेयर हम जैसे हमारे पास फंड उपलब्ध होगा हम इसकी रिपेयर तुरंत करवा देंगे। इसमें ऐसा है जो रूटीन की ग्रांट है नगर परिषद की वो तो आ रही है, पर खर्चे ज़्यादा है इसमें। जिस तरह हमारा सफाई का टेंडर जो है वो अभी 27 लाख के लगभग हुआ था, और बाकी बिजली का बिल जो है नगर परिषद का वो भी लाखों में है, लगभग 5 लाख रुपए मासिक है। इसी प्रकार अन्य कई खर्चे हैं जिसके कारण जो है इस नगर परिषद में थोड़ी फंड्स की समस्या चली हुई है। जैसे ही हमारे पास फंड्स की व्यवस्था ठीक हो जाती है हम टाउन हॉल का मरम्मत का कार्य जो वो प्राथमिकता के आधार पर करवाएंगे। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि नगर परिषद के पास फंड की कमी है और इसके लिए केंद्र सरकार से बजट के लिए मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के टाउन हॉल को सुधारने के लिए जल्द काम किया जाएगा। ठीक है, कमेटी के अपने रिसोर्सेज इतने नहीं है, जो कि कमेटी के हमारे जो 11 वार्ड है उनको एकदम पूरे जो भी उनकी डिमांड सबको पूरा किया जाए। फंड की हमेशा कमी रहती है, लेकिन जब स्मार्ट सिटी में अगर हमारा शहर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इसमें केंद्र से अलग से बजट का प्रावधान होता है और उसी बजट के तहत जो है वो सारी योजना जो भी डेवलपमेंट का काम है उसके तहत शुरू होता है। कमेटी अपने सर पे या सरकार प्रदेश सरकार अपने सर पे कहे कि हमने स्मार्ट सिटी की जो भी मापदंड है अब अपने लेवल पे पूरा कर दें वो संभव नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।